और इसमें झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, मेडिकल कैंपस में दलाली करने वालों पर गैंगस्टर लगेगा। झांसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐलान कर दिया है, मेडिकल कैंपस में दलाली किया गया तो गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। मेडिकल कैंपस में आसपास बने नर्सिंग होम के दलाल घूमते रहते हैं। शिकायत पर डिप्टी सीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही है। अब ऐसे में अगर कोई भी दलाली करता हुआ पाया जाता है मेडिकल कैंपस में तो उन पर फौरन कार्रवाई की जाएगी गैंगस्टर एक्ट के तहत। झांसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने यह ऐलान किया है। दरअसल लगातार शिकायतें उन्हें मिल रही थी यहां पर दलाली की, मेडिकल कैंपस में दलाल दिख गया तो गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, ये साफ कर दिया गया है डिप्टी सीएम की तरफ से। मेडिकल कैंपस में आसपास बने नर्सिंग होम के दलाल घूमते रहते हैं और ये शिकायतें लगातार डिप्टी सीएम तक पहुंच रही थी। इन शिकायतों को देखते हुए डिप्टी सीएम ने ये बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है, अगर कोई भी दलाली नजर आता है, दलाली करता हुआ कोई भी दलाल, तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। मेडिकल क्षेत्र के सामने अब ये जान लीजिए हमारी जानकारी में जो आया है, आपको एक भी दलाल दिखेगा नहीं। जिलाधिकारी महोदय से, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से हमने कहा है, और भी आज हम कड़े निर्देश देने वाले हैं, एक भी दलाल आपको नहीं मिलेगा। यदि दलाल हमारे परिसर में कहीं दिख गया तो हम गैंगस्टर से भी बड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हिचकेंगे। और यहाँ से सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, सरयू तट का, जहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। अयोध्या से रवाना हुए थे कुछ ही पलों में और खबर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे और वहां पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता पहले ही पहुंचे हुए हैं, अयोध्या नगरी को पहले ही सजा दिया गया था भव्य स्वागत के लिए उनके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो कि अयोध्या दौरे पर है, सरयू तट पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी उनके लगातार सामने आ रही है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाएंगे वहां पहुंच करके और रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्यों को भी देखने के लिए पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस और यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। रामलला के दर्शन किए जाएंगे एकनाथ शिंदे की तरफ से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ है, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ है, वही स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद हैं, तमाम नेता उनके साथ हैं। ये तस्वीरें हैं, अयोध्या में भव्य सजावट कर दी गई उनके स्वागत को लेकर के, उनके पोस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अयोध्या नगरी में तो पूरी तरीके से सजा दिया गया, एकनाथ शिंदे के पोस्टर से पूरी अयोध्या नगरी पटी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पहुंचेंगे पूजा अर्चना, भगवान रामलला के दर्शन भी किए जाएंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से, अयोध्या दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बनते भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य भी देखेंगे, उसके बाद शाम को सरयू तट पर पहुंच करके आरती में भी शामिल होंगे एकनाथ शिंदे। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी की तरफ से यहां पर नारे भी लगाए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के पहुंचने पर, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। वही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद है, बीते रात ही पहुंच चुके थे यहाँ पर एकनाथ शिंदे, और जब पहुंचे थे तो उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह के घर पर पहुंचे थे, वहां पर उनके साथ उन्होंने डिनर भी किया था, तमाम बातों को लेकर मंथन भी किया गया। और अब ये तस्वीर जब अयोध्या पहुंच चुकी हैं, अयोध्या दौरे पर की ये तस्वीरें उनकी, रामलला के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और इस बीच ये भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की, तमाम कार्यकर्ताओं की, और सुरक्षा का भी खास तौर पर ध्यान यहाँ रखा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।